काश तू भी कभी दिखाई दे। आतिफ, क्या हाल है मेरे भाई? आज सुबह सुबह ही फोन कर लिए, मेरा तो दिन बन गया यार। वो तो सुबह आंख खुलने पर भाभी का चेहरा देखते ही बन गया होगा। इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि तुम फूफो को ज्यादा तंग तो नहीं कर रहे? भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप, अब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुका हूँ। नो मस्ती मजाक, नो छिड़म छाड़ी, अब मैं जेंटलमैन बन गया। You know what? मेरा बायोडेटा बिल्कुल क्लियर है। I'm so proud of you. अच्छा सुने भाई, एक बात तो बताएं, क्या मैं चाचू बनने वाला हूँ? ये किसने कहा तुमसे? अब वो फूफो ने बताया मुझे, भाभी की तबीयत ठीक नहीं रहती। यार तुम प्लीज फूफो की बातों पर ज्यादा यकीन ना किया करो, ऐसी कोई बात नहीं। इस आदि को भी अभी कॉल करनी थी, इसकी वजह से हर बार मेरा प्लान कामयाब होते होते रह जाता है। कुरियर आज तक कैसे पहुंचाऊं, क्या करूं क्या करूं?
भाई अगर आती की जबान मुबारक साबित हुई तो मैं पूरे शहर में मिठाइयां बांटूंगा। मैं तो दादा बनने की हसरत में जी रहा हूँ। आप ही अंकल क्या कह रहे हैं? आप गायनी के पास गई थी क्या वाकई? नहीं नहीं, वो अभी रिपोर्ट्स नहीं आए। अगर अल्लाह का हुक्म हुआ ना तो इसमें भी देर नहीं लगेगी। अच्छा वो कुरियर किसका आया था? हाँ वही कुरियर आया था। काका काका। जी साहब। मैंने एक लॉबी में कुरियर रखा था टेबल पर, वो प्लीज ले आइए। ठीक साहब। साहब वहां तो कोई कोरियर नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने वहां ही रखा था। आप प्लीज एक दफा दोबारा देखिए। अरे तुम लोग परेशान नहीं हो, घर की चीज है, मिल जाएगी घर ही में। मैं नाश्ता करूं आराम से। ठीक है। बाबा आपने बुलाया? हाँ बेटा, ये कोरियर आया है। भेजने वाले ने अपना नाम तो नहीं लिखा, लेकिन जिसने भी भेजा है वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। क्या मतलब, ऐसा क्या है इसमें? तुम इसे देखोगी तो शायद बात तुम्हारी समझ में आए। आहद मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो रिवायती मर्दों की तरह शक की तबीयत का नहीं है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज उसकी दिल आजारी कर सकती है, उसे बदजन कर सकती है। बेटा मर्दों का सब्र औरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं होता, सभी से बेतबारी से टूट जाता है। और आहत के दिमाग में कोई गलत फहमी भरने की कोशिश कर रहा है, और ये शुरुआत अब से नहीं काफी पहले से हो चुकी है, इसलिए कि वो मुझे तुमसे बहुत खिंचा खिंचा नजर आ रहा है। नहीं जानता कौन है जो तुम्हारे और राहत के रिश्ते की बुनियादें हिलाना चाहता है। I don't know.
आप मुझसे नाराज हैं? मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे इतने छोटे से मजाक से आपको इतना बुरा लग जाएगा। देखो सरिश, बात छोटे या बड़े मजाक की नहीं, यू शुड नो योर लिमिट्स। सरिश, मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ, तुम्हें हमारे रिश्ते का एहतराम करना चाहिए। और वैसे भी मुझे ये इस तरह के मजाक बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है और मुझे एहसास भी है। आप ही को लेकर परेशान थे, मैं तो बस आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आप मेरी दोस्ती को किसी और रंग से देखेंगे, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। छोटी सी थी जब अब्बू गुजर गए, उनकी मोहब्बत की महरूमी इस कदर महसूस होने लगी कि कोई भी हंस के नरमी से बात करता था तो मैं उसके करीब हो जाती थी। आपके अंदर भी मैंने एक मुखलिस शख्स को पाया और आपको अपना मानने लगी, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा आपने महसूस किया। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो ऐसा लगता है कि मैं एक भटकी भी रूह जिसके मुकद्दर में ही भटकना है। ले लो बेटा चाय। शुक्रिया मम्मी। अरे मुझे बताना, तुम्हें याद ही नहीं रहा, कल सरिश आई थी। तो मैं क्या करूं, पर आ सकती है वो इस पे? हाँ आ सकती है, पता नहीं कोई डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही थी अपने कमरे में। डॉक्यूमेंट्स क्यों? वो तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन सरिश के इरादे से तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो वहां से मुस्तकिल आना चाहती है, लेकिन उसका वहां रहना ठीक नहीं है। मैं क्या करूं अम्मी? तुम ईमान से बात करो, वो उसे समझाए। इस तरह पराए घर में रहना ठीक नहीं है ना बेटा। आप खुद समझा दें, ताकि उसे ये ना लगे कि मैं शिफा की फिक्र में कह रही हूँ। वैसे ही सरिश की वजह से उस घर में बहुत मसले मसाइल पैदा हुए। मैं मजीद नहीं चाहती कि कुछ और हो, हर वक्त मुझे यही धड़का लगा रहता है। खुदा खैर करे बस। अच्छा चले, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बात करूँ। चलो मैं भिंडिया चढ़ा कर आई, देख कर आती हूँ। मैंने बड़ी जबरदस्त मीटिंग की सीएम साहब के साथ। हाँ नहीं, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह टेंडर हमारे पास ही आएगा। ट्रस्ट मी, नहीं बड़े पॉजिटिव नोट पे हुई थी। हाँ मुझे नहीं लगता कि जमाली साहब के पास जाएगा। या ओके, आई विल स्पीक टू यू लेटर। या बाय। सरिश को मेरे कमरे में भेजिए। जी सर, आपने बुलाया। क्या है ये सरिश? मैं आपकी मुश्किलों में मजीद इजाफा नहीं करना चाहती, इसलिए रिजाइन दे रही हूं। सरिश, मेरा ऑफिस है, कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट नहीं, जहां जब तुम्हारा दिल करे ज्वाइन कर लो, जब चाहे छोड़ दो। इस ऑफिस के भी कुछ रूल्स हैं, तुम इसमें रेजिग्नेशन नहीं दे सकती।
आपको मुझ पर जो भी कंपनसेशन आयद करनी है आप कर दें, लेकिन मैं ये जॉब नहीं करूंगी। देखो सरिश, आई एम रियली सॉरी, अगर तुम मेरी वजह से हर्ट हुई हो तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। मैं जानता हूं मैंने कई बार तुमसे नाराजगी का इजहार किया। एक्चुअली मैं काम और अपने पर्सनल इश्यूज में इतना ऑक्यूपाइड हूं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। सरिश, तुम ना सिर्फ मेरी फैमिली हो बल्कि बहुत अच्छी दोस्त भी हो। आई डोंट वॉन्ट यू टू लीव दिस ऑफिस and this office needs you. It's okay. ये पिक्चर्स तो तब की हैं जब शादी से पहले मैं और ज़ैन खेल रहे थे, लेकिन ये इस एंगल से किसने कैप्चर किए? कोई मेरे और आहत के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश कर रहा है। कौन हो सकता है? एक कप चाय आती। क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतर गया? लगता है मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। कहती है तो वापस चला जाता। नहीं नहीं, वो मैं तो आपका इंतजार कर रही थी यार। मेरा इंतजार? हाँ, आप जल्दी आ गए आज ऑफिस से। जब मेरी बीवी इंतजार कर रही थी तो जल्दी कैसे ना आता? वैसे तो लगता है कि काफी देर हो गई, जल्दी आना चाहिए था। क्या हुआ? अभी तो तुम मेरा इंतजार कर रही थी और अभी तुम्हारे सामने हूं। तुम घबरा रही हो? नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं? वो असमें अब आज गर्मी बहुत ज्यादा है ना, तो मैं चाय बना के लाती हूँ हमारे लिए। आपको क्या लगता है, ईमान की सिर्फ आप ही को फिक्र है? मुझे यहाँ रहकर भी ना वहां की सारी खबरें। माशाल्लाह, इतना अच्छा उसे ससुराल मिला है, सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अल्लाह उसे सदा खुश रखे। आमीन। लीजान तो बहुत खुश है, उन्हें यकीन है कि ईमान माँ बनने वाली है। बस अल्लाह करे अब जल्दी से रिपोर्ट आ जाए उसकी।
वाकई हमारी बच्ची क्या? हाँ हाँ, आपने ईमान का चेहरा नहीं देखा? कितना नूर है उसके चेहरे पर। जब खुदा औलाद देते हैं ना, तो चेहरे पर रौनक आ ही जाती है। और हाँ सुने, मैं आलम भाई से साफ कह दूंगी कि ईमान की डिलीवरी हमारे ही घर में होगी। और तुम क्या ये समझती हो कि वो ये खबर सुनने के बाद उसे यहाँ पर आने देंगे? अरे उन्हें पता चलेगा तो उसे कदम बिस्तर से नीचे नहीं रखने देंगे। यहाँ आना तो दूर की बात। और हमारी ख्वाहिश? हमारे नसीब में अगर होती तो हमें पहले मिल जाती। आप मायूसी की बातें क्यों करते हैं? खुदा इस घर की किस्मत भी बदलेगा, हमारे घर में भी खुशियां जरूर आएंगी इंशाल्लाह। क्या आपके और आज से के बीच में कोई टेंशन चल रही है? लगता है कोई बहुत पर्सनल बात है। मैं बहुत परेशान हूँ सरिश। कोई आहत को मुझसे छीनना चाहता है। वो क्या कोई चीज है जो कोई आपसे छीन लेगा? हद आहिस्ता आहिस्ता मुझसे बहुत दूर होते जा रहे हैं। अजीब सा रवैया है, बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे तीर चला रहे हैं, देखते हैं तो ऐसे देखते हैं जैसे कुछ खोज रहे हैं, कोई बहुत पुरानी बात। आप इस तरह से उलझी उलझी बातें क्यों कर रही हैं? सीधी तरह से बताएं ना कि क्या बात है। आज किसी ने एक पार्सल भेजा था। आपने उठाया था वो पार्सल? नहीं, बाबा ने उठाया था, उन्होंने मुझे दिया। उसमें जीशान और मेरी पिक्चर्स ऐसे एंगल से ली हुई थी जैसे खुदा ना खास्ता हमारे बीच हम बेहद करीब हों। और मैं ये सोच सोच के परेशान हूँ, ये जो कोई भी है मुझे और राहत को दूर करना चाहता है, लेकिन कौन हो सकता है ये? मेरा दुश्मन कैसे पैदा हो गया कोई? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, और राहत पहले ही मुझसे इतने बदगुमान है। यही सोचकर बाबा ने पार्सल छुपा दिया कि पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। मेरे और जीशान के बीच ऐसा कुछ भी नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे सब कुछ छुपाना पड़ रहा है। मुझे डर सा है अंदर, मैं क्यों डर रही हूँ, क्यों छुपा रही हूँ सब? छुपाना पड़ता है आप ही, मर्द की साइकी है, वो अपनी बीवी को लेकर कुछ ज्यादा ही पोसेसिव होता है। आप वो तस्वीरें मुझे दे दो, मैं उन सारी तस्वीरों को जला दूंगी। वैसे कहाँ रखा है आपने वो पार्सल? मेरे खुदाया, क्या कर दिया मैंने, वो तस्वीरें तो वही है। क्या हुआ? इतने चुप चुप क्यों? इंसान दो ही सूरतों में इतना चुप होता है, या तो वो परेशान हो या फिर कुछ छुपा रहा हो। अब तुम बताओ कि तुम परेशान हो या कुछ छुपा रही?
नहीं नहीं मैं क्यों छुपाऊंगी कुछ आपसे। इसका मतलब है परेशान है। आपको नींद नहीं आ रही आज? नहीं, अभी मैं कुछ देर काम करूंगा। क्यों? कहाँ जा रही? वो आप काम कर रहे हैं ना तो लाइट्स ऑन रखेंगे तो मुझे नींद नहीं आती। एक काम करो, तुम यहीं सो जाओ, मैं बाहर जाकर काम कर लेता हूँ। नहीं नहीं मैं इट्स ओके मैं जब तक आप काम कर रहे हैं मैं सरिश के रूम में सो जाती हूँ ताकि बाबा मुझे फिर से सुना सके। सो जाओ यहाँ पर, मैं बाहर जा रहा हूँ। ये सब झूठ है, सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरा जीशान से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं किसी ने ना ये पिक्चर्स इस तरह से कैप्चर किए हैं कि आपके और मेरे दरमियान गलतफहमी पैदा कर सके। मैं सच कह रही हूँ हाँ। और जब से मेरी आपसे शादी हुई है तब से तो मैं किसी और के बारे में सोचना भी गुनाह समझती हूँ। मैं ये सब मेरा माजी था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पूरी दयानतदारी और वफादारी से आपसे प्यार करती हूँ। तो फिर तुमने इनको छुपाने की क्यों कोशिश की? वो तो मैं डर गई थी आप इस तरह बिहेव करें। मैं आपके बदलते हुए रवैये से इनसिक्योर हो गई थी, मुझे लगा मैं आपको खो दूंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे बेवफाई का सोच भी नहीं सकती आज। Thank you.
आपसे पहले ईमान आपी की शादी ना निशान भाई से हो रही थी और मैं स्कूल में सबको बताता था कि ईमान आपी मेरी भाभी हैं, लेकिन फिर जब आपकी और ईमान आपी की शादी हो गई तो मैंने काफी फील किया था। और तुम्हारी आपी ने कैसा फील किया? उनका तो नहीं पता, लेकिन निशान भाई बहुत रोए थे। सिर्फ निशान ही नहीं बल्कि ईमान आपी भी उनसे मर मिटने की हद तक मोहब्बत करती थी। हर वक्त उनकी जबान पर सिर्फ निशान नामा होता था। सुबह उठती थी तो उन्हें याद करती थी, रात में सोते हुए भी उन्हीं के ख्वाब देखती थी। घर वाले तो क्या, पूरा खानदान इस बात की गवाही देता था कि वो दोनों कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। अब ये उनकी बदकिस्मती कह लें या आपकी खुशकिस्मती कि वो एक होकर भी एक नहीं हो पाए। ये सब झूठ है, सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरा जीशान से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं किसी ने ना ये पिक्चर्स इस तरह से कैप्चर किए हैं कि आपके और मेरे दरमियान गलतफहमी पैदा कर सके। मैं सच कह रही हूँ हाँ। और जब से मेरी आपसे शादी हुई है तब से तो मैं किसी और के बारे में सोचना भी गुनाह समझती हूँ। मैं ये सब मेरा माजी था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पूरे दयानतदारी और वफादारी से आपसे प्यार करती हूँ। माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पूछ सकती हूँ मेरी कौन सी याद या किस लम्हे ने तुम्हें इतना बेचैन कर दिया कि तुम मेरी आवाज सुने बगैर रह नहीं सके? तुम्हारे साथ मेरे रिश्ते की उम्र बहुत कम थी, मगर जितना भी वक्त गुजरा उसे भूल नहीं सकता, या यूं कहो कि भुला नहीं सकता। मेरी जिंदगी में तुम इस कदर असरअंदाज हुई कि मेरे जीने का अंदाज ही बदल गया। सरिश, निशान तुम मुझे कितना ही बुरा समझो, लेकिन मैं इस बात का इतराफ करती हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत किसी भी औरत को बांध के रख सकती है सारी उम्र के लिए। हाँ, सच का, मगर शायद तुम्हारी तलाश कोई और, या यूं कहो कि तुम्हारी तलाश की कोई हद ही न। तलाक तुमने मुझे दी थी निशान, क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया था। सहरिश, मजबूरी का निकाब ओढ़कर ईमान आपी से अपनी मोहब्बत को मत छुपाओ। एक मिनट, अपनी इस गंदी सोच से ना ईमान के बारे में कुछ सोचना भी नहीं। बहुत इज्जत करता हूं मैं उसकी, अगर तुमने उसे जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना सहरिश, तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। यही कहने के लिए तुम्हें फोन किया था। और हाँ, एक और बात, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और वापस घर आ जाओ, वरना तुम ना वहां की रहोगी और ना ही यहां की।
काश तू भी कभी दिखाई दे।